बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के कुल्हाड़िया गांव में जीजा और साली की लाश सड़क किनारे मिलने से गांव एवं आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शनिवार की मध्य रात्रि में रिक्शा सवार दो चार लोगों ने लाश को कुल्हाड़िया चौक पर छोड़कर भाग गए। लाश की पहचान हो गई है। मृतक लड़की ममता कुमारी कुल्हाड़िया गांव की रहने वाली है, जबकि मृतक लड़का देवानंद उर्फ करण रजौन थाना क्षेत्र के कठौन गांव का रहने वाला है। मृतक देवानंद की पत्नी कुल्हाड़िया गांव निवासी सीमा देवी ने बताया कि हम दोनों में आपसी विवाद को लेकर काफ़ी दिनों से अलग रह रहे थे। लगभग चार महीना पहले ही मेरे पति मेरी बहन ममता कुमारी को भगाकर दिल्ली मेरे पास चलाया था और मेरे पास मारपीट कर लगभग एक महीना पहले हमको भगा दिया। मैं भागलपुर इसाकचक में रहकर अपना जीवन यापन कर रही थी। दो दिन पहले मेरी बहन और पति मेरे पास आए और दबाव बनाते हुए रहने लगे। शनिवार की दोपहर में जब मैं अपने काम पर गई और वापस आने के बाद देखा कि बेहोशी की अवस्था में पड़ा है, लेकिन मेरी बहन दुनिया में नहीं रहेगी, चली जाएगी, कहकर चिल्ला रही थी। मैं आनंद फानन में मायागंज अस्पताल लेकर गई और अपने सास ससुर को फ़ोन की, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद मेरे साथ दुलारी देवी, ससुर भविष्ण दास, भैसुर देवासी दास शनिवार की देर रात कुल्हाड़िया चौक आकर पति और बहन को छोड़कर भाग गए, जबकि सास ससुर से पूछने के बाद बताया कि हम लोग उनके परिवार को भेंट करने के लिए दिए हैं। हालांकि मौत के स्पष्ट कारणों का पता पोस्टमार्टम के बाद ही चल पाएगा। भागलपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सीमा। लड़का कौन है आपका? मेरा पति दा। और ये लड़की? बहन दा। क्या नाम है पति का आपका? देवानंद दास। और बहन का? बहन का ममता देवी। क्या हुआ इनके साथ जो इनकी मृत्यु हुई? कुछ ना, ऐसे गया था, लगा था हम बीमार थे दिल्ली में, तो मेरा बहन को लेगा और फिर हम सही हो गए, बोले कि बहन को वापस कर दो मम्मी पापा के पास, लेकिन मेरा आदमी ना सुना, बोला कि अच्छा तुम ही चल जा, हम इसको याद हम गुस्सा से मारे से भागलपुर आ गए, अकेले दोनों बच्चा को लेके। उसके बाद ये लोग आपके रूम पे कब आई? शनिवार। उसके बाद क्या हुआ? आई तो आया, अच्छा से खाना पीना खाया, बात विचार किया, हम कम पे चल गए, इन लोग क्या किया ना किया पता, मौत आते आते बोलता हमको बचा लो बचा लो, हम जहर का नहीं है, बचा लो। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए? हाँ गए। इधर सामने देखिए, मेरा आदमी तो रास्ते में डेथ हो गया, इसको लेके गए तो फिर पता चलाते सब चीज फेंक दिया, उसके बाद यहाँ कौन लेके आया इनको? इसका मम्मी पापा था, मेरा सास ससुर था, वही लोग लेके आया, यहाँ छोड़ के चल गया। आ,